दोस्तों ऐसा हेयर फॉल जो किसी भी दवाई खाने से, लगाने से, मालिश करने से, इवन उस तरह फिरवाने से भी अगर आपका ठीक नहीं होता तो उसके लिए फिर आपके पास लास्ट रिजोर्ट रह जाता है पीआरपी। सो पीआरपी क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। पीआरपी आपके ब्लड का ही एक प्रोडक्ट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में हमारे आरबीसी होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। ये चार चीज़ें होती हैं। अगर WBC और RBC इन दोनों को सेपरेट कर दें तो हमारे पास बच जाता है प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको हम कंसंट्रेट करके इसमें प्लेटलेट की मात्रा बढ़ाई जाती है और प्लाज्मा थोड़ा सा कम किया जाता है, तो उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। और अगर इसमें हम कुछ न्यूट्रिशंस ऐड कर दें, जैसे वाइटमिन्स हो गए या फिनस्ट्राइड हो गया या ए सेलुलर जो टोटिपेंट स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स अगर हम ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें बहुत सी मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कहीं भी ब्लड लॉस होता है तो प्लेटलेट वहाँ आके उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने का काम इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में सारे रिपेयरिंग के गुण होते हैं और ये कहीं भी किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये आपकी अपनी बॉडी में ही पहले से घूम रहा है, आपकी अपनी बॉडी का प्रोडक्ट है। अगर आपके हेयर फॉल है तो अगर आप इसकी 3 या 4 सेशन ले लेते हैं तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और उसके बाद आपको सप्लीमेंटेशन की अगर ज़रूरत है तो सप्लीमेंटेशन अगर साथ में दे देंगे तो आपका बाल सबसे पहले मोटे होने शुरू हो जाएंगे, गिरने कम हो जाएंगे, जितनी भी आपकी हेयर रूट्स हैं जो बीमारी की वजह से या वीकनेस की वजह से या कमज़ोरी की वजह से बाल नहीं प्रोड्यूस कर रही, चल नहीं रही हैं, वो सारे चलने शुरू हो जाएंगे। तो इस पीआरपी की ट्रीटमेंट लेने से आपके बालों की एकदम से चमक आनी शुरू हो जाएगी, लस्टर रिस्टोर हो जाएगा, बाल मोटे होने शुरू हो जाएंगे और बाल घने होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितनी भी हेयर रूट्स हैं जो पहले वीक हो चुकी हैं, पतले हो चुके हैं बाल, वो सारे ठीक हो जाएंगे और दोबारा चलना स्टार्ट कर देंगे। तो पर इसके लिए आपको 3 या 4 सेशन मिनिमम लेने ही पड़ते हैं। अगर आप 4 सेशन पीआरपी के लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अर्लियर केसेस में। तो अदरवाइज अगर आपके बाल ही ख़त्म हो गए हैं सिर के, जैसे इस केस में मैं दिखा दूँ कि इनके बाल काफ़ी कम हो गए हैं, हेयर रूट्स ही नहीं हैं, तो इनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहेगी। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपको चाहिए तो 3500 से 4000 हेयर ट्रांसप्लांट हम कर देते हैं 40,000 में, ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग ऑफ ऑल मेडिसिन कॉस्ट, जो आपके इंट्रा ऑपरेटिव है या पोस्ट ऑपरेटिव है उसकी कॉस्ट, सारे मटेरियल की कॉस्ट और ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट, इसमें आपके 3500 से 4000 ग्राफ्ट लग जाएंगे। पर ग्राफ्ट में किसी में एक बाल होता है, किसी में 4 बाल होते हैं, तो तकरीबन आपके मैं अगर 2 या 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12-13 हज़ार बाल आपके लग जाएंगे, जो आपके फ्रंट कवर करने के लिए बहुत अच्छा एक नंबर है। अगर आपका ज़्यादा एरिया खाली है तो आपको 5 या 6 हज़ार ग्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें आप 50,000 मान के चलिए, 50,000 में आपके 5 to 6,000 हम ग्राफ्ट कर देंगे। और अगर आपका एरिया कम है, अगर आपको कम ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो उसी अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या पीआरपी की ज़रूरत है या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप हमारे पास विजिट करें। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहब पंजाब, हमारी कहीं अन्य ब्रांच नहीं है। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256। धन्यवाद।